नॉर्मल बच्चों के साथ मैं खेल नहीं पाई हूँ कभी भी। उसको एक इलाज भी नहीं हो पाया और आर्थिक स्थिति मेरा बिगड़ गया और मकान तक की भी गई। वो गरीब परिवार कोई नहीं उठ पाता है और हमारे जैसे हैंडीकैप तो और भी नहीं उठेंगे। जो भी मेरे दूसरे जो बहन भाई हैं वो नॉर्मल थे तो पेरेंट्स भी हमेशा उनको ही ले जाते थे। दिक्कत थी उठाने में, मेरे को गोदी उठाना पड़ता था, ले कहीं भी ले जाती गोदी में। बच्चे मतलब इसका मजाक उड़ाते थे, ये घर पे आके हमें बताता था और रोता था। हैंडीकैप होना भी एक तरह से गुनाह ही है। मैं रोड पर चलता था तो लोग मुझे टक्कर मार के निकल जाते थे, कहीं जा नहीं सकती थी। बाबा को पहले कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, बहुत परेशान रहते थे। हमको पहले बहुत तकलीफ थी, मतलब चलने फिरने में दिक्कत होती थी। पर कहते हैं ना, हर नई सुबह उम्मीद की एक नई किरण के साथ आती है। ये स्कीम जो AIDIP जो आया, इसके तहत से मुझे ये सुविधा मिली, बैटरी रिक्शा जो जिस पे हम अभी चल रहे हैं, और इसके सुविधा के कारण हम ये सारा काम आसानी से अब देख रहे हैं। अब ये हमारी ज़िंदगी जो है अब संपूर्ण रूप से बदल गई है और मैं अब अति खुश हूँ। अपना कामयाबी के तौर पे मंजिल पे चले जा रहा हूँ और अच्छी अच्छी कामयाबियाँ हमें मिल रही है। आज मैं नॉर्मल भी हूँ और कैलिपर भी है, टिक भी है, तो आज मुझे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। अब हम भी बहुत खुश हैं, मेरा परिवार भी बहुत खुश है और मेरा भाई भी अब एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेगा। आज हमको लिटराई साइकिल का सहारा मिला ताकि हम अपने बच्चों को स्कूल ले जा सके, घुमा सके। छोटा सा धंधा करता हूँ और घर के काफी काम निपटा लेता हूँ। हमें बड़ी मदद मिली, इन बच्चों ने हमारी बड़ी मदद करी। बुढ़ापे में मदद मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है। जो हमको ये सामान मिला था उससे हमको बहुत आराम मिला। चाय की दुकान है हमारी और इसी से साइकिल के माध्यम से मुझे घर आना जाना सब कुछ होता है और फैमिली भी हेल्प करते हैं इसी से। जब से मशीन मिली है तब से बाबा को सुनाई पड़ता, कहानियाँ सुनते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। आज हम कह सकते हैं कि हमारा समाज सही मायनों में एक समावेशी समाज बन रहा है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और उसका दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।